फिल्म निर्देशक महेश भट्ट अपनी फिल्मों की कहानियों में अक्सर अपनी असल जिंदगी की झलकियां दिखाते हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी जख्म। कहा जाता है कि ये फिल्म महेश भट्ट के माता पिता शीरीन और नाना भाई भट्ट की कहानी है और वो अपने आप को नाना भाई और शीरीन की अवैध संतान बताते हैं। जब महेश भट्ट जख्म बना रहे थे तब उन्होंने ये बताया कि उनकी माता शीरीन और पिता नाना भाई की शादी अवैध थी, क्योंकि कोई भी हिंदू एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकता, इसलिए वो नाना भाई की अवैध संतान है। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम शीरीन रखा था, जो बदल कर जख्म कर दिया गया। महेश भट्ट की इस बात से नाना भाई बहुत नाराज हुए। उन्होंने ट्रेड मैगजीन में महेश भट्ट की पब्लिसिटी के खिलाफ एक नोटिस छपवा दिया। उस नोटिस में ये लिखा गया था कि महेश भट्ट उनकी और उनकी पहली पत्नी हेमलता की संतान है और उनकी शादी शीरीन के साथ अवैध नहीं है। महेश भट्ट का ये बयान महज एक पब्लिसिटी था और कुछ नहीं, क्योंकि जब नाना भाई ने शीरीन से शादी की थी तब भारत में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं हुआ था।